नमस्कार दोस्तों, वाइल्ड एंड रॉ नेचर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो साइबेरियन जंगल के राजा साइबेरियन टाइगर के ऊपर है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, एंट्री तो बन गई है धमाकेदार, आगे देखते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, साइबेरियन बाघ या अमूर बाघ रूसी सुदूर पूर्व पूर्वोत्तर चीन और संभवतः उत्तर कोरिया के मूल निवासी बाघ की उपप्रजाति पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस की एक पॉपुलेशन है, और ये हुलचुन नॉर्थ ईस्ट चाइना के जिलिन प्रोविंस में ली गई एक वीडियो है, जहाँ पर के कुछ साइबेरियन टाइगर हाईवे पर आ गए, आप देख सकते हैं। और एक समय ये पूरे कोरियन पेनिनसुला में थे, लेकिन वो वर्तमान में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम में प्राइमरी प्रांत में सिखो टैलिन पर्वत क्षेत्र में रहते हैं। 2015 में हुई प्रारंभिक जनगणना से संकेत मिलता है कि रशियन फॉरेस्ट में साइबेरियन बाघों की आबादी 100 शावकों सहित 480 से 540 बाघों तक बढ़ गई है, और इसके बाद एक ज़्यादा डिटेल्ड सेंसस किया गया, जिससे कि पता लगा कि रशिया में जंगली साइबेरियन टाइगर्स की कुल पॉपुलेशन 562 थी, और 2014 तक रूस और चीन के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में लगभग 35 बाघों के होने का अनुमान लगाया गया था। साइबेरियन बाघ को अमूर बाघ, मंचूरियन बाघ और कोरियाई बाघ और उसूरियन बाघ भी कहा जाता है, और ये उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जहाँ पर इन बाघों को देखा जाता है। और ये साइबेरियन जंगल में घूमते हुए भयानक बाघ को आप देख सकते हैं, और साइबेरियन टाइगर्स का रंग रेड रस्टी या रस्टी येलो होता है, और इस क्षेत्र में लेपर्ड्स भी हैं जो टाइगर्स के साथ ही क्षेत्र को शेयर करते हैं, और साइबेरियन टाइगर दुनिया की सबसे बड़ी और भारी बिल्ली की प्रजाति हैं। 1980 के दशक में जंगली साइबेरियन बाघों की सामान्य वजन सीमा मेल के लिए 180 से 306 किलोग्राम और फीमेल के लिए 100 से 167 किलोग्राम तक बताई गई थी, और ये हैलोंगजियांग चाइना में पानी में मस्ती करते हुए एक साइबेरियन बाघ को आप देख सकते हैं। बाघ को पानी बहुत पसंद होता है और ये पानी में काफ़ी समय तक बैठना पसंद करते हैं। एक साइबेरियन टाइगर आकार में रॉयल बंगाल टाइगर से भी बड़ा होता है, और ये बाद में अवैध शिकारियों द्वारा असाधारण रूप से बड़े बाघों को भी निशाना बनाया गया। इसका फैला हुआ लचीला शरीर काफ़ी लंबी पूंछ के साथ छोटे पैरों पर खड़ा होता है, और आप वीडियो में देख सकते हैं एक साइबेरियन टाइगर अपने दो शावकों के साथ। और साइबेरियन टाइगर प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों द्वारा सिखोट एलिन क्षेत्र में बाघ के सिर और शरीर की लंबाई 178 से 208 सेंटीमीटर तक मापी गई। मेल में टेल की लंबाई 99 सेंटीमीटर और फीमेल में 91 सेंटीमीटर तक होती है, और सबसे बड़े मेल की कुल लंबाई जो अभी तक देखा गया वो 309 सेंटीमीटर थी, और जिसमें 101 सेंटीमीटर की पूंछ भी शामिल है, और सबसे लंबी फीमेल की कुल लंबाई 270 सेंटीमीटर तक देखी गई है। और साइबेरियन टाइगर्स को अक्सर सबसे बड़ा टाइगर माना जाता है, और 1943 में मंचूरिया में सुंगारी नदी के किनारे मारे गए एक जंगली मेल टाइगर की लंबाई कथित तौर पर 350 सेंटीमीटर थी। कई स्रोतों से प्राप्त रिपोर्ट्स में 318 और 384 किलोग्राम और यहाँ तक के 408 किलोग्राम वाले बाघ के वजन का भी उल्लेख है, और साइबेरियन टाइगर्स की खोपड़ी की विशेषता इसका बड़ा आकार होता है। पूर्वोत्तर चीन के साइबेरियाई बाघ की सबसे बड़ी खोपड़ी की लंबाई 406 mm नापी गई थी, और ये आप चीन में साइबेरियन बाघ का जो आवास है उसको देख सकते हैं। और साइबेरियन टाइगर्स के बालों का रंग अक्सर बहुत पीला होता है, और पूर्व सोवियत संघ में रहने वाले अन्य फैलिट्स की तुलना में साइबेरियन टाइगर का फर मीडियम मोटा होता है।
साइबेरियाई बाघ एक समय कोरियाई प्रायद्वीप, मंचूरिया और उत्तर पूर्वी चीन के अन्य हिस्सों, साइबेरिया के पूर्वी भाग और रूसी सुदूर पूर्व, पश्चिम में मंगोलिया और बैकाल झील के क्षेत्र में रहते थे, जहाँ कैस्पियन बाघ भी रहते थे। और ये आप देख सकते हैं साइबेरियन बाघ का प्राकृतिक आवास, और ये इसके भयानक दांतों को आप देख सकते हैं, कैनाइन टीथ को, और बाघ का पंजा और नाखून। और इस फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े होते हैं सीधे खड़े होने पर, इनकी ऊंचाई देख सकते हैं। और आज इसकी सीमा दक्षिण से उत्तर तक लगभग 1000 किलोमीटर प्रिमोर्स्की क्राय की लंबाई और अमूर नदी के पूर्व और दक्षिण में दक्षिणी खाबरोवस्क क्राय तक फैली हुई है। और ये रशिया चाइना का सीमा क्षेत्र है जहाँ पर के अमूर टाइगर मिलते हैं। और ये चीन के हैलोंगजियांग प्रांत नॉर्थ ईस्ट चाइना में साइबेरियन टाइगर पार्क में लिया गया एक वीडियो है। और इन टाइगर्स का प्रमुख निवास स्थान पाइन के फॉरेस्ट हैं। वर्तमान में इनकी 90% से अधिक आबादी सिखो टैलिन पर्वत क्षेत्र में है। और रशियन स्टेट प्रिमोर्स्की क्राय में आप सिखो टैलिन पर्वत को देख सकते हैं, ज़्यादातर 90% बाघ यही हैं। और एक अनोखा दृश्य जिसमें बाघ ने अपने शिकार से ही दोस्ती कर ली। और चाइना और उत्तर कोरिया की सीमा पर ट्रैक किए जाने और देखे जाने के आधार पर बाघडू पर्वत के आसपास के रिजर्व एरिया में भी टाइगर्स देखे गए हैं। सन 2013 और 14 के बसंत ऋतु में किए गए कैमरा ट्रैप सर्वेक्षणों से पता चला कि चाइना रशिया बॉर्डर पर 27 से 34 बाघ हैं। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये गोट कितने आराम से टाइगर के साथ घूम रही है बिना डरे। और बाद में इसका क्या हुआ होगा ये भगवान को ही पता होगा। साइबेरियन टाइगर्स अमूर लेपर्ड्स के साथ निवास स्थान को शेयर करते हैं और दोनों एक ही इलाके को साझा करते हैं। और साइबेरियन बाघ जिन जीवों का शिकार करते हैं उसमें मंचूरियन वेपिटी, साइबेरियाई कस्तूरी हिरन और लंबी पूंछ वाला गोरल और मूस, साइबेरियन रो हिरन, सिका हिरन, जंगली सुअर, एशियन ब्लैक बियर और साइबेरियन ब्राउन बियर और अमेरिकन पिका जैसे छोटे शिकार भी शामिल हैं। इसके अलावा सालमन का शिकार भी ये कर लेते हैं। और ये बाघ प्रतिदिन औसतन 10.3 किलोग्राम तक मांस खा जाते हैं। और वीडियो में आप देख सकते हैं बाघिन अपने शावकों को पुकार रही है। और कभी कभी ये छोटे आकार के एशियन काले भालू और भूरे भालू का भी शिकार करते हैं। बाघ भूरे भालू की तुलना में काले भालू पर कम हमला करते हैं क्योंकि भूरे भालू अधिक खुले आवास में रहते हैं और पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं। इसके जवाब में भूरे भालुओं द्वारा मादा बाघों और युवा शावकों को मारने के अनेकों मामले सामने आए हैं, और शिकार और आत्मरक्षा दोनों ही तरह की लड़ाइयों में। और आप साइबेरियन टाइगर गार्डन हैलोंगजियांग प्रोविंस में ये शावकों को देख सकते हैं। और जब अमूर बाघ भूरे भालू का शिकार करते हैं तो वे आमतौर पर युवा और सब एडल्ट भालू को निशाना बनाते हैं। इसके अलावा छोटी फीमेल को भी निशाना बनाते हैं जो हाइबरनेशन से सुस्त होती है और अपनी मांस से उस समय बाहर आती है। फ्रेंड्स, बाघ के खाने का कुल 2.1% में भूरे भालू और छोटे काले भालू आते हैं, और जिसमें से भूरे भालू 1.4% हैं।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप भालुओं को कम करके आंक लें। शोधकर्ताओं ने बाघों को मारने और संभावित रूप से बाघों को शिकार करने के लिए भालुओं को बाघ के पगमार्क्स का पीछा करते हुए भी देखा है। और ये चाइना में एक जू में एक इस तरह की टनल बनाई गई है, इसमें विजिटर्स देख सकते हैं। और फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भगवान न करे इस टनल में कभी कोई होल हो जिससे कि किसी पर कोई दिक्कत आए, क्योंकि चाइनीज़ माल का तो हम सबको पता ही है। और फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं साइबेरियन टाइगर पार्क घूमने गई एक टूरिस्ट महिला को बाघ गाड़ी के बाहर से खींच कर ले गया। महिला तो बच गई, पर उसे बचाने गई उसकी माँ को एक अन्य बाघ ने मार डाला। यह घटना 7 साल पहले बीजिंग की है। और कृपया किसी भी वाइल्ड लाइफ एरिया में आप सफारी करने जाएं तो गाड़ी से उतरने की भूल ना करें, क्योंकि आप गाड़ी में ही सुरक्षित हैं। तो हम बात कर रहे थे भूरे भालू की। भूरे भालू आमतौर से बहुत छोटी फीमेल टाइगर से मुकाबला करना ही पसंद करते हैं। और टेलीमेट्री रिसर्च के दौरान सिको टैलिन नेचर रिजर्व में भालू और बाघों के बीच 44 बार सीधी लड़ाई देखी गई। फ्रेंड्स, इन अमूर टाइगर्स को साइबेरियन टाइगर भी कहा जाता है। और उस लड़ाई में जिसमें सामान्य तौर पर 22 मामलों में तो भालू मारे गए और 12 मामलों में बाघ मारे गए। 1973 की एक रिपोर्ट में एक भूरे भालू द्वारा बाघों को मारने के 12 ज्ञात मामलों का वर्णन किया गया, और बाद में सभी मामलों में बाघों को भालुओं ने खा लिया। और फ्रेंड, जिस इलाके में बाघ होते हैं वहाँ पर भेड़ियों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और भेड़िए लगभग विलुप्ति की कगार पर ही पहुँच जाते हैं। और फ्रेंड, वीडियो में आप शायद देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयानक बीस्ट है ये। साइबेरियन टाइगर्स यूरेशियन लिंक्स से भी कंपटीशन करते हैं और कभी कभी उन्हें भी मारकर खा जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये चीन का एक वीडियो है जिसमें आप सड़क पर दौड़ते हुए साइबेरियन टाइगर को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इनका प्रेगनेंसी पीरियड 3 से 3.5 महीने तक रहता है, और लिटर का साइज आमतौर पर 2 या 4 शावक होते हैं एक बार में, लेकिन 6 तक भी हो सकते हैं। और शावक एक सुरक्षित बांध में अंधे पैदा होते हैं, और जब फीमेल भोजन की तलाश में निकल जाती है तो वे अकेले रहते हैं। फीमेल शावक लंबे समय तक अपनी मदर के साथ रहती हैं, और बाद में वे अपनी मूल सीमाओं के करीब ही अपनी नई टेरिटरीज को बनाती हैं। और ये आप साइबेरियन टाइगर की ट्रेनिंग का एक क्लिप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें ट्रेनर साइबेरियन टाइगर को ट्रेन कर रहा है। और दूसरी ओर मेल अपने जीवन की शुरुआत में अकेले यात्रा करते हैं और दूर तक यात्रा करते हैं, जिससे वे शिकारियों और अन्य बाघों के प्रति अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसकी भयानक दहाड़ को आप सुन सकते हैं, और ऊपर वाला ना करिए किसी के सामने आए खुले में। और ये आप साइबेरियन टाइगर को फुटबॉल से खेलते हुए देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इनका लाइफ स्पैन 16 से 18 वर्ष तक होता है, और कैद में भी ये 25 साल तक जीवित रह सकते हैं, और 35 महीने की उम्र में ये एडल्ट हो जाते हैं, और मेल 48 से 60 महीने की उम्र में एडल्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो बनता ही है। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में अच्छी जानकारियों के साथ। नमस्कार।